नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपका धर्म पर्व ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य का राशि परिवर्तन जो हर माह के मध्य में होता है 14-15-16 तारीखों के आसपास, जिसे हम संक्रांति नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। सूर्य नवग्रहों के देवता होने से, एनर्जी के स्रोत होने से, मुख्य ग्रह होने से इनका परिवर्तन पूरी सृष्टि पर प्रभाव डालता है, मनुष्य, देश, राष्ट्र, हर जगह पर। मेष से मीन लग्न तक सूर्य का जो आज में जो बात करने जा रहे हैं, सूर्य का जो 14 मार्च 2021 को मीन राशि में प्रवेश होगा शाम को 6:04 तक, तथा जो 14 अप्रैल 2021 तक रात्रि 2:33 तक चलेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। 2-3 ग्रह और भी बदलने हैं इसी माह में। एक है 17 मार्च को शुक्र का मीन राशि में होने वाला प्रवेश, दूसरा 31 मार्च को बुध का मीन राशि में होने वाला प्रवेश, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि नीच से निकलकर कुंभ में होने वाला इनका प्रवेश। सब लग्नों के ऊपर इनका बात कर रहे हैं, परंतु कर्क लग्न के बारे में हम मेन रूप से आप बात करने जा रहा हूँ। आपका कर्क लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 4 अथवा कैंसर या कर्क लिखा तो आपके बारे में बात हो रही है। बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है, परंतु इनमें से कोई नाम का अक्षर तो भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम का अक्षर? ही हु हे हो डा डी डू डे डो, ये नाम के अक्षर है। कर्क लगन में बृहस्पति भाग्य के, शुक्र मन की शांति, लाभ के, प्रॉपर्टीज के, संपत्ति के, बुध जो है हानि के, और सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है धन के स्वामी हैं। मीन राशि में जाते ही ये ग्रह सूर्य, बुध और शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। ये तीनों ग्रह गुरु जो है सप्तम से अष्टम में जाके धन स्थान पर दृष्टि देंगे, थोड़ी शुभता रहेगी, धन और व्यय को नियंत्रण बनाए रखेंगे, परंतु ओवरऑल महीना तनाव का हो सकता है। कर्क लगन के ऊपर इनका ओवरऑल मिला जुला प्रभाव क्या है, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में फेफड़ों, मधुमेह यानी डायबिटीज़, किडनी, आँखें, घुटने जो 60 वर्ष से ऊपर के उनके, हेयरिंग, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन और प्रोस्टेट से जुड़े जो जातक हैं वो ज़्यादा सावधान रहेंगे। प्रोस्टेट तो 60 वर्ष या 55 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उनको सावधान रहना होगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को, कोई मंगल एकादश भाव में है, उनको मधुमेह से, बीपी से, जो प्रेगनेंसी से जुड़े बीपी, मधुमेह और मानसिक तनाव, इससे सावधानी रखनी होगी। अनिद्रा से बचना होगा, यानी गहरा सोना होगा। 31 के उपरांत त्वचा, गले, स्पॉन्डिलाइटिस और 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो यात्रा के दौरान विशेष करके हृदय रोग से सावधानी रखें। नौकरी अथवा व्यवसाय, नौकरी जो है व्यापार के तुलना में थोड़ी शुभ रहेगी। जो लोग फौज, पुलिस, शिक्षा, बैंकिंग, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एग्रीकल्चर, इस नौकरी में, बिजली विभाग में है, इरिगेशन में है, इनमें इनको थोड़ा सा जॉब ठीक लाभ ज़्यादा रहेगा, परंतु व्यापार में आर्थिक अस्थिरता रहेगी। रास्ते में चोरी हो जाना, धन की कमी, अचानक लाभ कम हो जाना, अनएक्सपेक्टेड जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वीक हो जाना, वो सब होगा। मीठे फलों, वस्तुओं, मिल्क प्रोडक्ट्स, सिल्वर, चीनी, हीरे और गन्ने के जो व्यापारी हैं, गुड़ के व्यापारी हैं, मीडिया हुआ, एड्स हुआ, फिल्म हुआ, टीवी सीरियल्स हुआ, इनसे जुड़ा बिजनेस है। ब्रांडेड वस्तुएं, चश्मे हैं, एल्युमिनियम, शीशा, इनमें व्यापार में, इनमें तनाव रहेंगे आपको। शिक्षा, जो मेडिसिन का फील्ड है, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, फार्मा, बिजली का, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल, मेटल और डिफेंस स्टडीज़ में ये थोड़ा शुभ रहेगा। इकोनॉमिक्स, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस के फील्ड में थोड़ी कम सफलता मिलेगी।
6 अप्रैल के उपरांत विदेश में सफलता के योग बढ़ते हैं, एडमिशन चाहने पे मिल सकता है। कम एनर्जी यानी कम ऊर्जा होने से कर्म जो है वो थोड़ा सा निर्बल पड़ जाता है। नेत्र रोगों से पढ़ाई में सावधानी अवश्य होगी, नज़र का इत्यादि में परिवर्तन आने, अपनी आईसाइट को चेक करा ले, सावधानी अवश्य होगी। फाइनेंस में दुर्घटना होने से, ज़्यादा व्यय होने से, चोरी अथवा माता पिता संतान पर अचानक धन व्यय, स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर हो सकता है। व्यापार में अचानक आमद से 5 तारीख तक कमी रहेगी, यानी अचानक प्रॉफिट गिर जाएगा, किराए और प्रॉफिट में कमी रहेगी, प्रॉपर्टी बेचने में कम धन मिलेगा, नई इन्वेस्टमेंट से आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा, यदि कर दिया विशेषकर शेयर मार्केट सट्टे इत्यादि में, तो आर्थिक संतुलन बिगड़ने के योग बने हुए हैं। प्रेम विवाह रिश्ते में साधारणतः द्वितीय विवाह इच्छुक लोगों को धोखा हो सकता है, यानी पहला टूट चुका है, दूसरे में धोखे के योग है। संतान के विवाह में थोड़ी बाधा आ सकती है, इस माह नए संबंधों और विवाह निश्चित करने से बचें। बड़ा भाई बहन यानी अग्रज पिता वर्क प्लेस में रिश्तों में सावधानी आवश्यक होगी। उपाय क्या करें? बंदर बिल्ली को दूध या गुड़ देना, मछलियों को भोजन देना, शराब नशे और मांसाहार से और ज़्यादा मीठा खाने से परहेज करना। धन्यवाद। नमस्कार।